क्राइम ब्रांच की टीम ने नाइजीरियन का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले को सुलझाते हुए दो नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। घटना 19 अगस्त की है। सेक्टर 75 में बॉबी ऑयनेका नाइजीरियन युवक के भाई को उसके ही हमवतनों ने बंधक बना लिया और दिल्ली ले जाकर बुरी तरह से उसकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद आरोपियों ने उससे फिरौती मांगी। इस संबंध में मामला थाना सूरजकुंड में दर्ज किया गया। मामले की जांच क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में आरोपी और शिकायतकर्ता का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों ने थाना बीपीटीपी में जाकर राजीनामा की दरखास्त देकर राजीनामा करा लिया था। इसके बाद आरोपी आपस में राजीनामा करके फरीदाबाद के सूरजकुंड राजहंस होटल में पहुँच गए। राजीनामा की बात को लेकर दोबारा से झगड़ा हुआ और शिकायतकर्ता के भाई को आरोपी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर दिल्ली ले गए और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने आज आरोपी कैल्विन और केनेथ निवासी नाइजीरिया को सेक्टर 82 फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड मांगा जाएगा। मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।